नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पीयूष राय। आज की दूसरी तीसरी वीडियो हो सकती है और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आर भारत। आज हम लोग बात करेंगे कि ट्विटर और शाओमी ने, लेकिन ट्विटर तो अमेरिका का है, कैसे उसने ऐसी हरकत कर दी। ट्विटर ने जब नितिन ए गोखले लाइव थे तो उनको, क्योंकि उन्होंने ये इशू रेज़ किया, उसके बाद और लोगों ने भी फेस किया कि ट्विटर यहाँ लाइव में लोकेशन ये शो कर रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडिया के बजाय चाइना, ऐसा क्यों शो कर रहा है। और शाओमी अपने वेदर, जैसे हर फ़ोन में उसका सॉफ्टवेयर होता है जो वेदर रिपोर्ट बताता है अपने अपने कंट्रीज़ के, अपने अपने रीजन के, अपने अपने एरिया के, तो वो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल पे चाइना की बहुत अच्छी खासी नज़र है और कुछ हिस्सा विवादित हिस्सा उसके हिसाब से बना हुआ है, तो उसने दिखा दिया कि वो चाइना का पार्ट है। इंडिया के पार्ट में वो शो नहीं कर रहा, चाइना का पार्ट दिखाया चाइना दिखाया, उसने इंडिया का पार्ट में उसको मिक्स नहीं किया, वो कह रहा कि मिसिंग है एक तरीके से, है ना। वैसे तो इन दोनों एरर्स को कहा जा रहा है कि टेक्निकल एरर है, ग्लिच है, लेकिन ये चीज़ें बार बार अलग अलग सब, मतलब कि ज़्यादातर लोगों पर शो होना, ये ग्लिच नहीं हो सकता, ये एक सोची समझी साजिश है प्रेशराइज करने की। ट्विटर पहले भी इंडिया के अगेंस्ट हरकतें कर चुका है और शाओमी तो चाइना का है ही, तो इंडियंस को थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें दिखें तो जल्दी आप उसको बाकी के प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, उसको एक आउटरेज के रूप में दिखाइए कि हम इसका विरोध करते हैं। हम इतने बड़े मार्केट हैं कि किसी की भी हालत ख़राब हो सकती है अगर इंडिया विरोध करने लग जाए किसी भी प्रोडक्ट का, तो इस बात का अपनी ताकत का एहसास रखिए हमेशा, और हर ऐसी चीज़ का जो इंडिया के अगेंस्ट जा रही हो उसका विरोध करते रहिए समय समय पर, क्योंकि आज की डेट में हमें उनकी बहुत कम ज़रूरत है, जो हैं वो हैं, भविष्य में उनकी ज़रूरत हमें नहीं होने वाली है, और उल्टा हम बॉयकॉट कर रहे हैं, ज़रूरतें जितनी हैं उनको भी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारी ज़रूरत हमेशा रहेगी। हम बहुत बड़े और बहुत, मतलब विविड प्रकार, मतलब वैरायटी के मार्केट हैं हम लोग, तो अपनी शक्ति का हमेशा एहसास रखिए और एग्जाम्पल शो किया करिए समय समय पर, विरोध जताए, लेकिन छुटकारा पाने के प्रोसेस में अगर हम अपने लोगों को बूस्ट करें, जो अभी अगर मैं बोल देता आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर भारत बनाए, तो कुछ लोगों को आग मच जाती कि मैं मोदी के शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन ये शब्द ही ऐसा, अगर उसने पहले बोल दिया मैं बाद में बोल रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि भाजपा की लाइन पर चल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर हम सेल्फ सफिशिएंट बने, अंग्रेजी में अच्छा लग रहा है, सेल्फ सफिशिएंट बने, बॉयकॉट जब कर रहे हैं तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट बनाएं अपने ही देश में, तो इससे अच्छा उपाय मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। खैर, ये तो न्यूज़ थी और ये मेरा सजेशन था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।